प्रतिदिन संबंध आपके भी बिगड़ते जा रहे हैं आपके पति के साथ। क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अंतिम कगार पर आ पहुंचा है? किसी की भी कोशिश से अब कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता अब नहीं सुधर सकता। पति की बदतमीजियां बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन और कम होते जा रही है आपकी सहने की शक्ति। भला कोई कब तक और कितना सहे, क्यों सहे? दिन प्रतिदिन अब इतने झगड़े हो रहे हैं कि पति भी कह रहा है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, तुम अपने घर चले जाओ, मुझे मुक्त कर दो। और कहीं ना कहीं आपका भी मन अब ये कह रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते का त्याग कर ही देना चाहिए, कुछ शेष नहीं रह गया इस रिश्ते में, अब कोई खुशी नहीं रह गई। पति और पत्नी दो अलग अलग घर के लोग होते हैं, एक फैमिली फंक्शन जैसी होती है शादी, और बस दोनों को जोड़ दिया जाता है। लोग आए, खाना खाए और चले गए, तुम लोग दोनों बैठे, कुछ जेवर पहने, कुछ टीका लगा, कुछ फेरे लगे, और आज से तुम दोनों पति पत्नी। भला इस एक रश्म से दो अलग अलग अजनबी कैसे जुड़ जाते हैं और कैसे एक हो जाते हैं? यही चमत्कार है शादी का, यही चमत्कार है मैरिज का, यही शर्ट फिल्मों में नकली सा लगता है। वहां भी फेरे पड़ते हैं, वहां भी सिंदूर देते हैं, क्यों नहीं संबंध बन पाता है जन्म जन्मांतर का? वहां कैसे नकली हो जाते हैं वो चीज? यही है शादी का अर्थ, जिसे समझना पति के लिए भी आवश्यक है और पत्नी के लिए भी। लेकिन जब दोनों नहीं समझ रहे, कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हो दोनों, घर का माहौल कलह पूर्वक कर दिए हो, परिवार को लगने लगा है कि हमने क्या पाप किया था कि इन दोनों की शादी हो गई, सुबह होते ही तुम दोनों झगड़ा शुरू कर देते हो और रात जब तक सो न जाओ पति तुमसे झगड़ा करता रहता है। कुछ घर में पति और पत्नी दोनों लड़ते हैं, कुछ घर में पत्नी सहती है और केवल पति लड़ता है, कुछ घर में पति सहता है और केवल पत्नी सुनाती है। लेकिन बात एक ही है कि पति और पत्नी के रिश्ते में अब वो बात नहीं रह गई, ना प्रेम है, ना विश्वास है, ना सामंजस्य है, और क्या भविष्य होगा इस रिश्ते का वो तो छोड़िए, तो भगवान ही मालिक। तो यदि ऐसा भी संबंध है आपका आपके पति के साथ, वो विश्वास नहीं करता आपका, वो जरा भी प्रेम नहीं करता आपसे, वो जरा सा भी सपोर्ट नहीं करता आपको, कोई पैसे नहीं देना चाहता, खर्च नहीं करना चाहता आप पर, आपके साथ बाहर नहीं जाना चाहता, आपके साथ बैठकर अपने दिल की बात शेयर नहीं करता, वो इस रिश्ते में केवल नाम का एक पति है, वो जी रहा है नहीं है इस रिश्ते में, वो बस सबको दिखाने के लिए आप लोग दोनों पति पत्नी हो, कुछ भी मतलब नहीं इस रिश्ते का, तब आज का प्रयोग आपके लिए। आज मैं आपको एक सम्मोहन सिखाने जा रही हूँ केवल वाइफ के लिए, मतलब ये सम्मोहन केवल पति को अट्रैक्ट करने के लिए, पत्नी के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि पति भी करे इसे तो पत्नी, वो दूसरा उपाय है, इसमें ना लगे आप। ये केवल महिलाओं के लिए, यदि आपका पति भी बहुत बदतमीज हो गया है, बात बात पर आपको इतने गलत अपशब्द बोलता है, गलत बात बोलता है, आपको भी गालियाँ देता है, आपके माता पिता भाई बहनों को भी गालियाँ देता है, जिससे आपका दिल दुखता है, दिल टूटता है, रहने का मन नहीं करता, यदि वो बात बात पर धमकी देता है आपको, मायके भेज दूंगा, नहीं लेकर आऊंगा, तलाक दे दूंगा, ये संबंध तोड़ दूंगा, दूसरे से शादी कर लूंगा, इस तरह की बात यदि बार बार बोल रहा है, तब यह प्रयोग आपके लिए। यदि ससुराल वालों का सपोर्ट नहीं है आपको, किसी से भी आप कुछ कहती है, सारे इल्जाम आप पर ही पड़ते हैं, तब यह प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ सुपारी एक कसेली, एक सुपारी अपनी जिह्वा पर रख कर केवल इस मंत्र को बोल देना और उसे थूक देना पति के रास्ते पर, जिस रास्ते से पति होकर या तो गुजरा हो चाहे आने वाला हो, उस रास्ते पर केवल थूक देना, पति जन्म जन्मांतर के लिए सम्मोहित हो जाएगा। सात जन्म की बात नहीं करती मैं, मुझे नहीं मालूम आपकी मृत्यु के बाद आप किस में जन्म लोगे और वास्तविकता क्या है सात जन्म का, आपसे मैं शेयर नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, परंतु इस जन्म जब तक जीवित रहेगा वो आपका ही हाथ पकड़ कर रहेगा, जब तक वो जीवित रहेगा किसी भी अन्य नारी की तरफ वह नहीं आंख उठाकर देखेगा, वह तुम से सिर्फ प्रेम करेगा, वह तुम पर ही विश्वास करेगा, गृहस्थी के ये डोर को वो आगे लेकर जाएगा, आपके साथ साथ निभाएगा, आपका पति रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक आएगा आपके घर, आपको हाथ पकड़कर अपने घर लेकर जाएगा और ये रिश्ता फिर से मजबूत हो जाएगा। इस प्रयोग को करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें। इस प्रयोग को करने से 3 दिन पहले से ही आप मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, किसी भी तरह की नॉनवेज को आप नहीं खाओगे। 3 दिन क्यों, पेट में पड़ा खाना लगभग 3 दिनों तक रहता है और इस वशीकरण का नियम है कि बिल्कुल मांस मदिरा से दूर रहना, तो हो सके तो 1 सप्ताह पहले से खाना छोड़ देना, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना। झूठ सच में बिल्कुल नहीं पढ़ना, किसी के वाद विवाद में नहीं पढ़ना, कोई भी गलत अपशब्द, गालियां, झूठ या आलोचना जैसे शब्द मुंह से मत निकालना, अपने ग्रहों को बहुत बैलेंस रखना। यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। लाल रंग की साड़ी या लाल रंग का सूट ही आपको पहनना है, जिसमें चुन्नी जरूर हो क्योंकि सर जरूर ढकना है। अपने केसों में आपको 7 गांठें लगानी है इस वशीकरण से पहले। शुक्रवार के दिन आप सोकर उठेंगी, स्नान आदि से निवृत्त करेंगी और वो समय होगा केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से ठीक पहले। ब्रह्म मुहूर्त का समय आप पंचांग में जाकर देख लेंगी। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठेंगी, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगी, सर से जल डालकर स्नान करेंगी और लाल साड़ी पहनेंगी, सिंदूर भर के लेंगी, जो भी श्रृंगार कर सकती है कर लेंगी ताकि शुक्र आपका बहुत मजबूत रहे। अपने बालों में 7 गांठें लगानी है आपको। एक ही बाल में 7 गांठ नहीं लगानी, आप कहीं कहीं भी गांठ लगा लो, लेकिन अपने बालों को पकड़कर 1, कहीं से बाल पकड़ो 2, अपने संपूर्ण बालों में कहीं पर भी 7 गांठें लगा लो, समझ लो अच्छे से, गलती मत करना, एक बार में परिणाम देखने को मिलेगा। जितना लाल श्रृंगार कर सकती हो, लाल लिपस्टिक लगाना, लाल साड़ी पहनना, लाल चूड़ियां पहनना, लाल बिंदी लगाना, लाल नेल पेंट लगाना, जो लाल आप कर सकती हो करना, बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, परंतु इतना करना कि शुक्र बहुत एक्टिव लगे आपकी। अच्छे मन से, साफ सुथरे मन से पूजा पाठ करना, मन को शांत रखना। एक सुपारी ले लेना, एक आसन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना, घर हो, आंगन हो, पूजा रूम हो, छत हो, कहीं पर भी उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। एक सुपारी को अपनी जिह्वा के ऊपर रख लेना, कसेली जैसे जो पान में पड़ता है लेकिन वो साबुत हो, धो लेना अच्छे से, उसको जिह्वा पर रख कर चुप हो जाना। पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, वो दिखाई देने लगे, वो समझ में आने लगे, वो महसूस होने लगे, इस हद तक वो दिखने लगेगा। बिल्कुल जब वो नजर आने लगे तब जो मंत्र बोल रही हो, छोटा सा मंत्र बोल रही हो, इसको 1008 बार बोलना। 1008 बार मुंह में सुपारी लेकर, सुपारी को बाहर नहीं फेंक देना, मुंह में सुपारी लेकर 1008 बार, 108 बार नहीं, ध्यान से सुनो, 1008 बार इस मंत्र को कंटिन्यूसली बोलना, एकदम कंटिन्यूसली बोलना, मंत्र से निकलना मत, मंत्र को टूटने मत देना। आपको कहना है ओम ओम रोम ओम ओम रोम ओम ओम रोम। स्क्रीन पर अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में लिख दे रही हूँ, गलती से भी गलत मत करना, ये एक वशीकरण शावर मंत्र है। रम जाना, 1008 बार इस मंत्र का जप करना। लो, शुद्ध कर लिया तुमने सुपारी को, या तो उसी वक्त तुम्हें यह सुपारी जाकर थूक देनी है उस स्थान पर जहां से पति हर हाल में होकर गुजरे, और नहीं तो इसको पेपर पर थूक कर तुम इसको मोड़ कर रख सकती हो, बाद में देख लो पति किस रास्ते से आता है वहां भी फेंक सकती हो। ये दोनों कार्य तुम कर सकती हो, केवल एक बार करो ना, सारी बोलती बंद हो जाएगी। जितना झगड़ा, झंझट, परेशानियां कर रहा है ना, लड़ाई कर रहा है, इल्जाम लगा रहा, सारी बोलती बंद हो जाएगी। प्रेम करेगा तुमसे, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, हर वो कार्य करेगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।